हेलो फ्रेंड्स, इवर सुई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू ब्रेड बॉल्स बनाने की रेसिपी। आलू ब्रेड बॉल्स बनाना बहुत ही आसान रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बच्चों को खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके लिए हमने लिए 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्रेड ली हुई है, आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू। आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया है और इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अगर हम ठंडा करके आलू को यूज़ करेंगे तो हमें बाइंडिंग करना आसान होगा और मॉइस्चर भी नहीं होगा स्टफिंग में। साथ में मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे मैंने बारीक कट किया है। 2 हरी मिर्ची, इसे भी मैंने छोटा छोटा कट किया है। थोड़ा सा मैंने लिया अदरक, इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। साथ में हरा धनिया, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और मसालों में मैंने लिए हैं 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक बाउल, इसमें मैं डालूंगी 3 बॉयल्ड आलू। इसको मैं अच्छे से मैश करूंगी। इस तरह से आप इसको मैश कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। साथ में हम डालेंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे साथ में ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ अदरक। इसके साथ इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। फिर हम इन सभी मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम इस तरह हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करने से सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड के किनारों को कट करेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके चारों किनारों को कट करेंगे। इसी तरह से मैं सारी ब्रेड के किनारों को कट कर लूँगी। और ये देखिए मैंने ब्रेड के सारे किनारों को कट कर लिया है। फिर हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम ब्रेड के कटे हुए किनारों को इसमें डालेंगे और मिक्सी को बंद करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए हमारा ब्रेड क्रम बनकर तैयार हो गया है। अब हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 कटोरी बेसन लिया है। इसको मैंने पहले अच्छे से छन्नी से छान लिया है। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसका हमें एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। इसे हमें अच्छे से फेंटना है। जितना हम इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ही ये हमारा परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए इसमें हमें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है।
अब हम आलू के मिक्सचर की बॉल्स रेडी करेंगे। इसके लिए हम आलू की स्टफिंग में से थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे और इसे हम इस तरह हाथ पर रखकर गोल को शेप देंगे। आप देख सकते हैं इसे इस तरह से हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे अंदर की साइड को और फिर इसे गोल गोल करेंगे। इसी तरह से हम सारी स्टफिंग की गोल गोल शेप में बना लेंगे। और ये तैयार होगी हमारी आलू की मिक्सचर की गोल गोल शेप में बॉल्स। अब हम एक ब्रेड लेंगे और बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर ब्रेड को इस तरह से पानी में हल्का सा डिप करेंगे और फिर इसे हम हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे कि सारा पानी निकल जाएगा। फिर इसमें हम रखेंगे बॉल्स जो अभी हमने आलू की मिक्सचर से बनाई है। फिर इसे इस तरह से ब्रेड को अच्छे से बंद कर देंगे इस तरह से और अच्छे से प्रेस करते हुए इसे गोल गोल शेप देंगे। फिर हम इसी तरह से दूसरी ब्रेड लेंगे, उसको भी हम पानी में हल्का सा डिप करेंगे, फिर इसे हम हाथ से प्रेस करेंगे ताकि सारा पानी अच्छे से निकल जाए। फिर इसी तरह से इसके बीच में आलू की बॉल को रखेंगे और ब्रेड को अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे और फिर हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम सारी ब्रेड की इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ब्रेड की बॉल बनकर तैयार हो गई है। फिर हम ब्रेड बॉल्स को हम बेसन के बैटर में अच्छे से डिप करेंगे। अच्छे से डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट करेंगे। अच्छे से कोट करने के बाद इसे हम इस तरह प्लेट पर रख देंगे। फिर हम दूसरे ब्रेड बॉल को बेसन के बैटर में अच्छे से डिप करेंगे। फिर इसे भी हम ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट करेंगे और इसे भी हम इस तरह से प्लेट पर रख देंगे। और इसी तरह से हम सारे ब्रेड बॉल्स को अच्छे से बेसन के बैटर में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। दूसरी साइड हम एक पैन में ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देना है। अब इसमें हम एक एक करके ब्रेड बॉल्स को डालेंगे और इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब हमने ब्रेड बॉल्स को ऑयल में डालना है तब हमें फ्लेम को मीडियम पर रखना है। अगर हमने ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी ब्रेड बॉल्स एकदम से जल जाएगी और हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रखना है ताकि हमारी बॉल्स अंदर से सही से पक जाए और हमारी सारी साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए।
और ये देखिए हमारी ब्रेड बोर्ड्स एक साइड से पक गई है। अब इसे हम दूसरी साइड को पलट देंगे एक एक कर। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखना है, हाई पर नहीं करना है। और इन्हें हमें उलट पुलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ गया, एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें हम एक एक करके प्लेट पर निकाल लेंगे और इन्हें हम अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे प्लेट पर। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं और ये कितने क्रिस्पी भी लग रहे हैं। मैं इसके साथ सर्व करूंगी टमाटो सॉस, इसके साथ खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। आप इसकी आवाज़ देखिए कितनी क्रिस्पी आ रही है, ये देखिए कितने ही कुरकुरे और क्रिस्पी हमारे ब्रेड बोर्ड्स बनकर रेडी हो गए हैं। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं और ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं कितने ही क्रिस्पी बने हमारे आलू के ब्रेड बोर्ड्स। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।